सब काम करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेल की कीमतें कम करो, काम करो, काम करो। मोदी सरकार होश में आओ। यार आगे क्यों जा रहे हो? सिलेंडर महंगा हो रहा है, आदमी कुकी गैस महंगा हो रहा है, तो इंसान कामा इंसान है, उसका जीना मरना मुश्किल हो गया है। इस महंगाई में बच्चा क्या पढ़ाएगा? एक दस पैसे देते थे हम, एक दस में पैसे तो सारा सिटी घूमते थे, सिटी पास में 35-35 रुपए किराया है, बड़ी बड़ा महंगा। तो स्टूडेंट लोगों क्या गुजरती है? मैं इसी बड़ी है थोड़ी सी, इसमें जो है कि एक जजिया टैक्स लगाया था मजलों ने, और एक जेब में जजिया टैक्स लगाया था, ये जजिया से भी ज्यादा मुख्य है। ये जजिया के कुत्ते की बना रहे आप लोग, मैं भी जजिया टैक्स दो बीच भी हमें दिल्ली के सबसे पहले, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं मोदी साहब ये अच्छी नहीं है पब्लिक की भलाई के लिए, इनको अच्छा दिन ही कहा जा सकता। हमें चाहिए वो जिससे सांस ले सके, और हम चाहते हैं कि पेट्रोल की और कुकी गैस की इमीडिएट जो है उसकी काश वो ड्रोन की जाए, ताकि हम सांस ले सके। पीडीपी पार्टी जो है, पीडीपी की पार्टी जो है, आज हमारी मौजूदा जी ने कल कहा है कि हमें 30 फूल प्रत्यक्ष करके, हमें 30 फूल प्रत्यक्ष करके जो हिंदुस्तान के आयन में जो चीजें हैं वही लेने हैं। हम हिंदुस्तान के आयन में बाहर नहीं जाएंगे, जो हिंदुस्तान हमें एक आयन देता है उसके बीच में हम रहना है। तो जहां तक ये जो चीजें मैंने जो बताया, ये कानून ये टैक्स जो ये इम्पोज कर रहे हैं ये जजिए से कम नहीं है, उनके मुगल जो हुकूमत थे उन हुक्मरानों से ये ज्यादा बदतर है। तो ऐसे थे मोदी जो है अपनी छवि खत्म करेगा और इसको आने वाले इलेक्शन में कोई जगह नहीं मिलेगी। जो कहता इसी में 1414 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ये लगाया था टैक्स, जिसे कुतुब मीनार बनाई है, लेकिन कुछ बादशाहों ने इसको माफ कर दिया था, जिसमें मुगल बादशाह अकबर है, लेकिन माल ने जहांगीर ने फिर इसको इम्पोज किया। लिहाजा जो अच्छी बातें हैं वो समाज में अच्छी रहती है और जहां तहते चलती है, जो बुरी बातें हैं समाज उनको बुराई के लिए जानता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसमें गरीबों के बारे में हम विचार सोच रहे हैं, जितनी जो गरीब जनता है वही असल में पूरा समाज है, वही असल में हमारा वोटर है, और वही जो है सही आवाम है। तो हमें वो बातें करनी है जो आम आदमी के हाथ में हो, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट पेट्रोल लेने जाता है और दिन में 4-5 चक्कर लगाता है, अपने स्कूल जाता है, कहीं ट्यूशन जाता है, तो उसके लिए ये चीजें अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारी यही मोटा इसलिए है कि गवर्नमेंट के कान खींचे जाए और जो समझ आए कि ये चीजें ज्यादा देर चलने वाले नहीं है, और महंगाई को इन्हीं तौर पर फिर जाए, और महबूबा जी हमारी इन चीजों के खिलाफ है, अगर वो पावर में आई तो हम इन चीजों को कम करेंगे, जो वीकेंड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे रास्ते में आएगी।